छपरा में हुई हिंसक झड़प के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि घटना के चौथे दिन यानी आज भी बड़ा तेलपा का भिखारी ठाकुर चौक पुलिस छावनी में तब्दील रहा। यहां कल तक के लिए इंटरनेट सेवा बैन है। कल ही महाराजगंज सीट के लिए वोटिंग भी है। पूरे मामले में अभी तक 7 FIR दर्ज हुई है। पहली प्राथमिकी RJD प्रत्याशी रोनी आचार्य के इलेक्शन एजेंट ने किया है, जिसमें बूथों पर BJP कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने का आरोप लगाया गया है और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरी प्राथमिकी पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसमें हिंसा करने, उन्माद फैलाने और एकत्रित होकर शांति व्यवस्था भंग करने का मामला दर्ज है। वहीं BJP CO और पुलिस की ओर से अलग अलग 7 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना में मृतक चंदन राय के पिता योगेंद्र राय ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 12 नामजद समेत 40 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि 10 अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फरार आरोपी अगर सरेंडर नहीं करता है तो घर की कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। हेलो, हम हैं अभी छपरा के उसी भिखारी चौक पे, जहां चुनाव के बाद हुए हिंसा में एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है अब भी लगातार जो है ये यहाँ कैंप कर रही है, घटनास्थल इसको मान के कि यहाँ से कोई दंगा फिर न भर के या किसी तरह का कोई जातीय उन्माद जो फैलाने की कोशिश हो या प्रयास हो उस पर रोक लगाया जा सके। लेकिन कुछ दुकानें जो आप देखेंगे कि लगातार ये जो दुकानें हैं ये बंद है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक यह संशय है कि हो सकता है कि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति हो, और इसलिए दुकानदार जो है फास्ट फूड की दुकानें हो या डिजिटल सेवा हो, किराना स्टोर हो, आप देखेंगे तस्वीरों में कि सब बंद हैं, लेकिन इक्का दुक्का दुकानें अब खुलने शुरू हो गए क्योंकि घटना के 4 दिन हो गए हैं और DSRP की टीम जो है ये पहुंची हुई है। आप देखेंगे कि पदाधिकारी जो है ये बैठे हुए हैं, लगातार स्थिति पे निगरानी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 20 मई और 21 मई के कुल दोनों घटनाओं में जो है मतदान के दौरान जो हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जिस तरह से प्रतिशोध के कार्रवाई में जिस तरह से गोलियां चली और जिस तरह से एक युवक की मौत हुई है, इस मामले में जो है पूरे बिहार की राजनीति को जो है ये गर्म कर दिया है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में जो हत्या के मामले में जो 12 लोग नामजद हैं उसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस उसी दिन कर ली थी, और उसके बाद जो कुल 10 अन्य आरोपी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और अब कल महाराजगंज लोकसभा में चुनाव भी है, इसको लेकर पुलिस की संख्या यहाँ कुछ कम दिख रही है। बावजूद इसके जो है पुलिस लगातार जो है जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थल है उस स्थल पे जो है कैंप कर रही है और स्थिति को नियंत्रण के प्रयास में करने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, Zee Media।